अम्मी क्या मसला है आपके साथ? आप किसी को दो घड़ी खुश नहीं होने दे सकती? तुम्हारी खुशी की तो बस बात ही रहने दो। तुम तो पता नहीं क्या चाहती हो। इतना अंदाजा नहीं है तुम्हें कि घर में कितने काम पड़े हैं? बजाय इसके कि माँ की मदद करो, यहाँ खुद भी नाच रही हो और सबको अपने साथ लगा लिया है। चलो मेरे साथ, अभी पैरामनी के जोड़े पड़े हैं, वो पैक करने हैं बेटा। अगर दो जोड़े पैक नहीं होंगे ना तो ऐसे ही डालकर ले जाऊंगी सूटकेस में, बारात वापस नहीं ले जाएंगे वो। क्या कह रही हो ये? ऐसी बातें मुंह से भी नहीं निकालते कभी। खामोश रहो, अकल नहीं है तुम्हें। शादी होने जा रही है लेकिन कुछ भी बोल देती हो। अम्मी आप भी किसे सर खपा रही हैं? चलिए मैं कर देती हूँ। इस वक्त कौन आ गया? यकीनन रचना की सास होंगी। जैसी बहू वैसी सास, इसी की जैसी सर फिरी है वो भी, कभी भी कहीं भी मुंह उठा के चली आती है। अम्मी आपको ना मेरी हर बात बुरी लगती है, अगर सच कहूँ ना तो। बस अब साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। चार दिन चुप रह जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा बेटा। शादी होने वाली है तुम्हारी, दूसरे घर जाना है तुम्हें, और लड़कियों को जरा खामोश तबीयत रहना चाहिए। अपने गुस्से पे काबू पाना सीखो अब। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, बाहर में जाए सब लोग। चुप, मैं देख रही हूँ गेट पे कौन है, और जल्दी से आओ काम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये अखबार में इश्तिहार आपने दिया, ऊपर वाला पोर्शन किराए के लिए खाली है। जी जी बिल्कुल, इश्तिहार मैंने ही दिया, आप देखना चाहेंगे? जी। मिस रबिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली मैंने सुना था कि आपको ब्लू एकेडमी से कोई ऑफर आई है अच्छे पे रोल पर, और शायद आप जा भी रही हैं। आपको इससे क्या मतलब? ये मेरा जाती मामला है। श्रव्या आप बुरा मत मानिएगा, मैं तो आपके अच्छे के लिए बोल रहा था। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरी किसी बात से नाराज हैं? मिस रबिया आपको सर जमील बुला रहे हैं। जी बहन कैसा लगा आपको पोर्शन? उम्मीद है पसंद आया होगा। जी बहन हमें तो आपका घर बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलें ठीक है, तो फिर आपने वो सारी शरायत और किराया जो मैंने अखबार में दर्ज किया था पढ़ ही लिया होगा? जी जी उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है। क्या हुआ बहन, आपका मूड तो तब्दील नहीं हो गया? नहीं नहीं, ये बेटे हैं आपके? नहीं नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, फिर अगर आपको पोर्शन पसंद है और आप लोग यहाँ रहना चाह रहे हैं तो जब जी चाहे आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन पहले ज़रा मैं चाह रही थी कि कुछ एडवांस वगैरह की बात हो जाए। हाँ हाँ उसकी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वो तो मैं साथ लेकर आई हूँ। चाय पीते हैं बैठ के बाद, आइए तशरीफ़ लें। थैंक यू। एक लिहाज से साजिदा गलत नहीं कहती, मैं हमेशा ही कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाता, इस तरह तो वाकई रचना के ससुराल वालों के मुंह खुल जाएंगे, फरमाइशें बढ़ जाएंगी, और फिर जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। और अभी तो नाजो, फिर सबसे बढ़कर मेरी बेटी की बात, उसकी तो शादी मुझे ही करनी है। आशा माँ। हाँ मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, बस एक छोटा सा काम है, वो करता हुआ आऊंगा। क्या लेता हूँ?
मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ तो मंगवा देता हूँ। अच्छा भी लेता आता हूँ, लेता आता हूँ। खुदा हाफिज़। आज काफी लेट हो गए। मेरी क्लासेस तो इवनिंग में होती हैं। आई थिंक आप कॉलेज से बाहर लेट निकल। मेरी क्लासेस तो खत्म हुए, एक घंटा हो गया। मैं तो बस तुम्हारा वेट कर रही। मेरा वेट क्यों? एक इंसान दूसरे इंसान का बेताबी से क्यों इंतजार करता है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा है लिखा हुआ। क्या? बेवकूफ और अहमक लिखा हुआ। खुदा हाफिज। अभी तो आधा सामान बाकी है लेकर आने वाला। मेरे ख्याल में उसे हम कल ही लेकर आएंगे। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। आप आराम करें, मैं ले आऊँगा और सेट भी कर दूंगा। अरे रहने दो, तुम थक जाओगे। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ बोलो। अच्छा ये बताओ तुम्हें घर कैसा लगा? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने मेरा नाम करम क्यों बताया? क्यों, तुम्हारा नाम करम नहीं है? मैं तो यही समझती थी। खैर जो भी हो, मुझे तो करम नाम अच्छा लगा बजाय उसके शामी कामी के। और हाँ याद रखना, आज से तुम्हारा नाम करम है, ठीक है? इस घर की मालकिन मुझे पता नहीं क्यों कुछ देखी देखी सी लगी।